गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और आज की जो ये अभी व्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है वो अभी लगभग 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है। और अभी मैं स्कूल तो पहुंच चुका हूं, पर अभी मैं निकल रहा हूं कैंप ड्यूटी के लिए। तो स्कूल में आया और एक बार सर से मिला, और अब क्योंकि ऑन रोड ही हैं वो, इसी से आगे यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे जो है वो ड्यूटी लगी हुई है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। जी हाँ गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं सकरावास स्कूल, और ये रहा सकरावास का सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने सामने आप देख सकते हो। तो अभी चलते हैं अपन, और अब आपको पूरा एक अभी मैं एक वर्क अराउंड दे देता हूँ कैंप का, क्योंकि अभी प्रोसेस जो है अभी सब आ रहे हैं, सेटअप हो रहा है। तो अंदर अलग अलग सारे विभागों के लोगों को बैठने के लिए अलग अलग यहाँ पे टेबल्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये सामने की तरफ आप देखिए, तो अभी एक बार आपको पूरा यहाँ पे एक टूर दे देते हैं। तो चलते हैं यहां से अंदर की तरफ। तो अलग अलग विभागों के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि ये हैं श्रम विभाग के लोग यहाँ पे बैठेंगे, और साथ में ये जैसे कि सैनिक कल्याण बोर्ड वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं, जैसे कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हो गया, आयोजना विभाग हो गया, अलग अलग विभागों के लोग बैठे हुए हैं, लोक निर्माण विभाग हो गया। तो अभी धीरे धीरे से अभी कैंप में लोग आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, पर हमारे जो हैं पर्चे उत्तर कटनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जनजाति विकास विभाग हो गया, ऐसे ही अलग राजीविका विभाग हो गया, जल संसाधन विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हो गया, ये साथ में कृषि विभाग वाले, राजस्व विभाग वाले, मतलब प्रशासन से जुड़े हुए सारे लोगों के बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और हर एक प्रशासन से जुड़े हुए सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आयुर्वेदिक विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया। नमस्ते। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको पूरा बता दिया जाए, क्योंकि अभी इसके बाद हम वर्क में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि पर्चे वगैरह उधर कटनी स्टार्ट हो गई है, हमारा सीटिंग उस तरफ है। तो चलते हैं अपनी सीटिंग की तरफ। ये काउंटर्स लगे हुए हैं, और ये आ रहा है पूरा यहाँ पे, ये सारी 10 योजनाएं जो हैं वो बताई हुई है, LCD पे चल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। जी हाँ, तो अभी अपन देखते हैं और SSOID लॉग इन करते हैं। नमस्कार सर, क्या थी फेविकी रियल आ जाओ सर, क्या क्या वो आपकी वो डाउनलोड कर लो, जॉब कार्ड वाली। हाँ क्या है जी हाँ, तो अभी बैठ गए हम, और मैंने भी ओपन कर लिया है अपनी SSOID। वहाँ से भराएगी ना काउंटर पे। सेल्फ मत भर। घर पे ही अपने कर लेते। लोग भी अब आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम सारे जो ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं इधर, और इधर से जो है वो प्रिंट निकाली जा रही है। तो प्रिंट यहाँ से और उधर वापस उनको उन प्रिंट्स को जो पैम्पलेट से उस पे लगा के दिया जा रहा है।
जी हाँ गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे एंट्रीज वगैरह चल रही है और आज यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि इस पंचायत के अंदर केवल तीन ही गांव लगते हैं। तो अभी हम एंट्रीज कर रहे हैं, इधर प्रिंट केवल एक ही जगह हो रहा है तो इसलिए यहाँ प्रिंटिंग पे थोड़ी भीड़ ज्यादा है। बाकी सेवन के बाद 7-0 नेट जो है, नेट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो गई जिसकी वजह से एंट्रीज जो है वो जा नहीं रही है। काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, ये एक एंट्री जो है वो अटकी हुई है, ओके पे क्लिक किया पर ओके हो ही नहीं रहा है। नेट का काफी ज्यादा इश्यू होता है क्योंकि गांव में कैंप है और गांव में नेट का इश्यू अभी भी यही है, इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कत है। काम जो काम एक मिनट में हो सकता है उसमें 4-5 मिनट लग जाते हैं नेट की वजह से। गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे सक्रवास स्कूल के अंदर हूँ और ड्यूटी हमारी चल रही है यहीं की कैंप ड्यूटी पर। ये स्कूल को देख करके अच्छा लगा कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो इतनी ज्यादा बड़ी है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे कॉलेज के अंदर जो एक डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग होती थी उससे भी ज्यादा बड़ी यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग है। और काफी मतलब एक मैंने अमूमन कुछ कॉलेजेस भी ऐसे देखे हैं जिनकी बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं होती जितनी यहाँ स्कूल की बिल्डिंग और फैसिलिटीज वगैरह इतनी अच्छी बना रखी है। तो ऐसे ऐसे स्कूल जो हैं वो काफी ज्यादा मतलब इतनी अच्छे से यहाँ पे फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, काफी अच्छा लग रहा है इस स्कूल में। लास्ट टाइम जिस स्कूल में गए थे उससे तो यहाँ पे काफी अच्छा फैसिलिटी वाइज काफी अच्छा है। भीड़ भी जो है वो आज ज्यादा नहीं है क्योंकि टाइम पे जो है अपना काम स्टार्ट हो गया था और सारे अपने काम को लेकर के वेल नोन भी थे क्योंकि लास्ट टाइम हमने ड्यूटी कर चुके हैं एक जगह पे। तो ये चीज है, पर आज जो है वो काफी स्मूथली जो प्रोसेस चल रहा है सब आराम से रिलीव हो रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आया हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं कैंप के लिए जो कि यहाँ से रिसिप्ट कट रही है और वो रिसिप्ट हमारे पास लेकर के आ रहे हैं, फिर हम ऑनलाइन एंट्रीज जो है वो कर रहे हैं। आज की जो ड्यूटी है वो काफी ज्यादा मजे से है, कट रही है क्योंकि आज इतना ज्यादा कोई वर्कलोड है नहीं। तो अभी हम जैसे कि मेरे साथ वाले जो है वो अभी एंट्री कर रहे हैं और हम मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो इस तरीके और आज जो है 5 से 6 PC लगे हुए हैं एंट्रीज के लिए, तो कोई भी ना तो किसी जो एंट्री करवाने आ रहे हैं उनको वेट करना पड़ रहा है ना हमारे ऊपर ज्यादा लोड है। तो हाँ, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम जरूर है पर पीसी ज्यादा होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं अपने साथ वाले सर को रिलीव करते हुए मैं बैठता हूँ उनकी सीट पे और अपना काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आज जो थी काफ़ी ज़्यादा कम भीड़ देखने को मिल रही थी, जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे हम एंट्रीज करते जा रहे थे, किसी को भी कुछ भी वेट नहीं करना पड़ रहा था। तो काफ़ी अच्छे से कैंप में जो है एंट्रीज का जो प्रोसेस था वो चल रहा था, किसी को कोई वेटिंग नहीं करनी पड़ रही थी जैसा कि लास्ट कैंप के अंदर देखने को मिला था। पर यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही थी क्योंकि टीम जो थी वो बढ़ा दी गई थी। तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कैंप की ड्यूटी के ऊपर जो कि होगी जूनदा के अंदर और वो होगी हमारी 10 और 11 तारीख को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।